मेरी तरह सोचो, न बांस की बंसी, मेरी तरह सोचो, न सोने का सरिया, मेरी तरह सोचो, मेरी चुप, बिल्कुल चुप। हेलो देयर, हेलो भाई, उपला का स्वागत है एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो भाई तुम लोग कुछ यूं कह सकते हो कि मेरे दिन की शुरुआत और दिन का अंत दोनों ही वीडियोस देखते देखते होता है, मतलब कि यार यूट्यूब पर ही होता है। और जो मेरी पर्सनल फेवरेट वीडियोस होती है वो होती है कॉन्ट्रोवर्सी वाली वीडियो। मतलब तुम लोग खुद ही सोचो यार, एक लौंडा दूसरे लौंडे को गालियां दे रहा है, इससे अच्छी वीडियो और कोई हो सकती है? तुम ही बताओ, मतलब समझ रहे हो। और आजकल तो मैं जैसे यूट्यूब खोलता हूं, मुझे सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलती है, एनजी स्पोर्ट्स एक्सपोज, नॉनस्टॉप गेमिंग एक्सपोज, नॉनस्टॉप गेमिंग रोस्ट, एंड ऑफ नॉनस्टॉप गेमिंग, टाटा बाय बाय फलना दिखना। अपनी वीडियोस में ये लोग ये बोलेंगे कि भाई ये वीडियो लास्ट होने वाली है, इसके बाद हम एनजी स्पोर्ट्स पर वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन दो दिन बाद फिर से एनजी स्पोर्ट्स पर वीडियो आएगी, एनजी स्पोर्ट्स पार्ट 3, और फिर क्या होगा भाई, व्यूज भी तो छापने हैं। बहुत तेज हो रहे हैं। तो भाई लोग, सदियों से एक प्रथा चली आ रही है शिवा भाई वर्सेस एनजी स्पोर्ट्स की, जो कि यार कोई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब भाई शिवा भाई अपने खुद ही 3 वीडियो में बोल चुका है कि भाई आज के बाद एनजी स्पोर्ट्स पर वीडियो नहीं बनेगी, पर फिर भी व्यूज तो छापने हैं। तो भाई देखो, आज अपन लोग इसका दी एंड कर देंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मीनाक्षी तेरी के। वेक अप टू रियलिटी। सबसे पहले तो भाई यार शिवा भाई, तुम मेरे को ये बात बता दे कि यार ये सब कब खत्म होगा, क्योंकि देख यार मेरे को कोई तरह से खुन्नस वुन्नस नहीं है, पर तू अपने खुद की वीडियोस में 3 से 4 बार बोल चुका है कि ये लास्ट वीडियो है, एनजी स्पोर्ट्स पे आजकल वीडियो नहीं आएगी, ये वो फलना। भाई तू अपने वर्ड्स पे नहीं टिकता है, हर एक महीने बाद तू एक और वीडियो डाल देता है दी एंड ऑफ एनजी स्पोर्ट्स। भाई खुद के वर्ड्स की तो इज्जत कर ले भाई, हर वीडियो में सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि इसके गिल्ड में इतने सारे हैकर है, बहुत सारे हैकर है, हम सब लोग जानते हैं इसके गिल्ड में हैकर है, पर किसी ने कुछ उखाड़ लिया क्या? पर तू खुद के वर्ड्स की तो इज्जत कर ले, दूसरों के वर्ड्स की तो कोई वैसे भी नहीं करता है। पर भाई तू बोलता है कि यार तू व्यूज के लिए काम नहीं करता, तो इसको मैं क्या समझूं? मतलब भाई तू एक डेट फिक्स कर देगा, इस डेट के बाद तू कभी इस पे बात नहीं करेगा, तो क्या हम लोग को संतुष्टि हो जाए कि हाँ भाई चलो कर लें दो, क्योंकि इस डेट के बाद तो ये कभी बात ही नहीं करेगा। मतलब भाई थारा भाई जोगिंदर ने भी कैरी मेहंदी पे इतनी वीडियो नहीं बनाई जितनी तू एनजी स्पोर्ट्स पे बना चुका है। मतलब भाई कुछ भी। देखो जहां तक बात रही वीडियोस बनाने की, तो भाई चलता है, मैंने खुद ने एनजी स्पोर्ट्स के ऊपर 2 वीडियो बना रखी है, पर भाई 2, 3, 4, 5 चलता है, पर 15, 20 वीडियोस भाई एक ही टॉपिक पे कैसे कर लेते हो? मतलब भाई जब मैंने पहली बार शिवा का चैनल देखा था, वो वीडियो जो थी वो एनजी स्पोर्ट्स के ऊपर ही थी। अब तुम लोग मुझे खुद बताओ कि ये बंदा व्यूज के लिए काम कर रहा है या कम्युनिटी के लिए? हेलेंगे थोड़ा सा। अरे भाई लोग, तुम लोग गलती से सेकंड फ्लोर पे उतर गए हो, लिफ्ट लो और थर्ड फ्लोर पे जाओ, वहां पर मेरा पार्सल रखा है, उसको उठा के लेकर आओ, और फोर्थ फ्लोर पे मेरी गर्लफ्रेंड का घर है, सॉरी गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं, मेरी दीदी का घर है, उनके घर में देखे आओ, ठीक है? अब तुम लोग सोच रहे होगे मैं कि क्या बकवास कर रहा हूँ, तो तुम लोग खुद ही देख लो। इसे थोड़ा समझने का ट्राई करना, ठीक है? एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो जो ऑडियंस है ना वो बैठी है पहली मंजिल पर, और ये बंदे बैठे दूसरी मंजिल पर। अब पहली मंजिल से दूसरी मंजिल के ऊपर देखना मुश्किल होता है, ठीक है? लेकिन मैं एक टाइम पर था दूसरी मंजिल पर, लेकिन अभी फिलहाल तीसरी मंजिल पर हूँ, जहां से सब कुछ क्लियर दिखता है, समझ रहे हो? इसका मतलब ये कि आज से कुछ टाइम पहले मैं भी दूसरी मंजिल पर ही था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सी ऐसी चीजें पता है जो तुम लोगों को नहीं पता। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, शिवा भाई ने बोला था कि भाई ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, और मुझे समझ आ गया तुम क्या कहना चाहते हो। शिवा भाई मैं तुम्हारी फीलिंग्स को बड़े ही अच्छे से समझ सकता हूँ, पर देखो यार तुम जिन बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो बच्चे खुद ही भी 4th-5th में पढ़ रहे हैं, उन लोग को फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में अंतर नहीं पता है, और तुम यहाँ फोर्थ फ्लोर की बातें कर रहे हो। तो यार समझो मेरी बात, जरा आसान भाषा में समझाओ, तो मैं तुम लोग को समझाता हूँ। शिवा भाई का कहना यह है कि वो बहुत एक्सपीरियंस मानस हो चुका है, मानस इन द सेंस इंसान, मतलब भाई शिवा भाई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस वाला बंदा है, उसको सब कुछ पता है कि कम्युनिटी में क्या चलता रहता है, कौन झोल झपाटे करता है और कौन हैकर लेके आता है, कौन हैक बेचता है और कौन हैक खरीदता है। मतलब भाई शिवा भाई का कहना है कि वो यहाँ के बुजुर्ग बन चुके हैं, सही बोला ना शिवा भाई? तो तुम लोग को लग रहा रहेगा कि मैं शिवा का रोस्ट कर रहा हूँ, मैं शिवा को एक्सपोज करना है, मैं शिवा का भजिया पाला करना आया हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं। देखो मेरे को शिवा जैसा बनना है, मेरे को मतलब शिवा जैसा एक्सपोजर बनना है, समझ रहे हो? बाकी देखो आज के टाइम पे सबको शिवा भाई बनना है, किसी भी चीज को मेरा देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है, मैं किसी चीज को लेके क्या सोचता हूँ क्या करता हूँ ये देखो मेरी तरह सोच लेंगे थोड़ा सा। हाँ भाई मैंने ये क्लिप देखी है तभी मैं बोल रहा हूँ, और उस एक्सपोजर वाले मीम को जरा सीरियसली मत ले लेना, मेरे को पता है एक्सपोजर करके कोई वर्ड होता नहीं है, वरना तुम लोग बोलने लगो वाह बेटा क्या अंग्रेजी झाड़ रहा है तू। और जहां तक बात रही शिवा भाई बनने की, तो भाई उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती। देखो क्या करना है तुमको, एक लाइन लो अपनी मस्तम सी, और उस लाइन में बाल्टी भर के मीम्स डाल दो,
बन गए तुम शिवा भाई। क्या मतलब मैं फेंके मार रहा हूँ, देखो तुम लोग को करके दिखाता हूँ। देखो आजकल जो हो रहा है ना उसमें ये सब हो रहा है, तो उसको होने के लिए होना होना होगा, तो हम लोग को उस होने को होने से होने के लिए हम लोग को उसको होना पड़ेगा। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। सब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है, तब भाई हो जाए भाई या भाई तू काई खो जाए, जब जाना आगे है तो नजरें कर दे माइक खुला पाए। तो गाइस मैंने आज तक कभी भी कंट्रोवर्शियल वीडियो चैनल पर मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे साउंड 17 एक्शन। अरे ये फर्स्ट वीडियो है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो गाइज मैंने आज तक कभी भी कंट्रोवर्शियल वीडियो चैनल पे नहीं डाला, ये फर्स्ट वीडियो है। Wait a minute. ये क्या है? कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? अब देखो मैं तुम लोग को ये जो 45 सेकंड की क्लिप दिखाई वो शिवा के वीडियो की है, मतलब शिवा का जो स्टार्टिंग का वीडियो था उसमें 45 सेकंड खाली यही सब हो रहा था, ठीक है। अगर मैं एवरेज शिवा के किसी भी वीडियो को ले लूँ उसका एवरेज निकालूँ तो वो लगभग 12 मिनट का होता है, और उस 12 मिनट के वीडियो में लगभग 7 मिनट तो खाली मीम्स ही मीम्स होते हैं। तो भाई देखो कितना आसान है रोस्टर बनना, सिर्फ एक लाइन बोलो, लॉजिक हो उसमें ना हो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, बच्चों को क्या ही समझ पड़ेगा, और बस उस लाइन को बोलने के बाद बाल्टी भर के मीम्स डाल दो, बन गए तुम रोस्टर। देख भाई शिवा, ओ सॉरी शिवा भाई, देख भाई, अरे यार देख भाई शिवा, अरे रे रे रे, देख शिवा भाई, देख यार क्या है ना कि अगर तू एक टॉपिक पे बार बार वीडियो डालेगा तो भाई मजा नहीं आएगी। देख एक टॉपिक पे एक बार वीडियो चलती, दो बार चलती, तीन बार चलती भाई, पर एक लिमिट होती है। अब तू भाई व्यूज छापने के लिए अगर बार बार एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाता रहेगा तो फिर भाई तुझमें और एक्सनॉक्स में फर्क ही क्या रह जाएगा? नहीं जानता एक्सनॉक्स को? कोई बात नहीं, कोई भी नहीं जानता। देखो तुम लोग को पता रहेगा कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना था, क्योंकि मैंने तो अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डाल भी दिया था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन भाई देखो यार क्या है ना कि जब एक ही टॉपिक को बार बार इतना खींचोगे तुम लोग तो ये जो एनजी स्पोर्ट्स वाला है इसको इतनी ज़्यादा अटेंशन मिल चुकी है कि अब ये हवा में उड़ रहा है परियों की तरह, और मैं चाहता हूँ कि परी आकर हमारी कम्युनिटी में हकती फिरे, इसके मैं चाहता हूँ कि अब इस पे वीडियोज बनना बंद हो जाए, समझ रहे हो भाई शिवा भाई, भाई शिवा शिवा भाई, ओके ओके। तो भाई लोग आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। देखो यार गुजरात में रहता हूँ तो थोड़ा भाई भाई बोलने की ज्यादा पड़ गई है, समझ रहे हो, तो ऑफेंड मत हो जाना। ओके तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो, वो जो रेड बटन को तोड़ दो फोड़ दो दबा दो वाले, और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, पर जो बेल नोटिफिकेशन को जरूर जरूर पे सेट कर लेना। और हाँ अगर बातचीत करने का मन है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते ऐसी किसी धमाकेदार वीडियो में, टिल देन बाय बाय। ओए छोटे शिवा भाई को फोन लगा। What can I say? It's just a day in my life. I'm up early in the morning, in bed early at night. To be productive at work, I gotta be well rested. Yeah, motherfucker, you heard what I just said. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't like margarine, I much prefer the taste of butter.